हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और ये देखिए, मेरी स्वेटर निकल गई आज, क्योंकि गांव में बहुत ठंडा हो रहा है। कल से बारिश हो रही है, रात से बारिश स्टार्ट हो गई थी। अच्छा हुआ कि स्वेटर लेके आ गए थे, क्योंकि पता ही नहीं चलता अचानक से कब बारिश शुरू हो जाए। गाँव में बिल्कुल ठंडा हो जाता है जैसे ही बारिश होती है, और मौसम जो है बहुत प्यारा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वापस जा रहे हैं, और गाँव में आज जो है काफ़ी बारिश हो रही है और मौसम बहुत प्यारा, बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को गांव का व्यू दिखाती हूँ। सामने बहुत प्यारा लग रहा है। क्या बोला? ओह, पानी भी लगी। मैं ना जेड से बातें कर रही थी और उनको बता रही थी कि मुझे ना इस टाइप का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और वैसे भी ये दृश्य जो है मनमोहक दृश्य जिसे बोलते हैं उस टाइप का है। ये कुरेड़ लगा बहुत अच्छे, जब कुरेड़ भी हम मैं जेठ जी को बता रही थी कि मुझे ना इस टाइप का मौसम ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। बारिश हो रही है, रात को ये बारिश शुरू हो गई थी और आज हमें वापस भी जाना है। मौसम को देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि आज यहीं रुक जाएं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जाना। वाह, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और फ्रेंड्स, इस टाइप का मौसम देखकर ना मुझे सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सनी दयाल का एक गाना याद आता है, डांडे की चले कुड़ी है तू। बहुत प्यारा गाना है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं, देखते हैं दीदी लोग क्या कर रहे हैं अंदर। हेलो दीदी, जेठ जी हेलो कर दो एक बार आप भी। दीदी भी शादी के लिए तैयार हो रही है, इनकी बहन की शादी है अभी 2-4 दिन बाद, तो ये भी आज जा रही है। बड़ी खुश खुश नजर आ रही है आज, तो बहुत हैप्पी हैप्पी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी खुश नजर आ रही है आज मायके जाने की खुशी में। इनेश कंघी लगाओ अपना थोड़ी सी सर पे। ऐ इनू कंघी लगाओ सर पे। समर्थ कहाँ गया? बाबू समर्थ कंगी लगाओ थोड़ी सी, और इधर चलिए टोपा भी लगा रखा। लगाओ आप, लगाओ पहले चश्मा। देखो खच्चर आ गई किसी के नीचे, चश्मा लो। ये देखो खच्चर आ गई, और रुकिए किसकी खच्चर है? लुया 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 की है। देखो देख रही है कौन बुला रहा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ही हमारे बैग आ गए हैं बाहर और पैकिंग वगैरह सारी हो गई है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग भी। चलिए इस साइड से। बाय बाय टॉमी, टॉमी बाय 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 बाय। चलो तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अब जा रहे हैं वापस। बहुत बुरा लग रहा है, मुझे इतना बुरा अपने मायके से जाते समय भी नहीं लगता जितना मुझे बुरा अपने ससुराल से जाते समय लगता है। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, छोटे से लेके बड़े तक सब लोग बहुत अच्छे हैं। और अभी सच में बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मुझे अपने ससुराल में बहुत अच्छा लगता है। टचुट नज़र ना लग जाए किसी की, मतलब मेरा ना यहाँ से ना वापस जाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा वापस जाने का। पर क्या करें, मजबूरी है जाना। इतना अच्छा ना मुझे अपने मायके में भी नहीं लगता जितना अच्छा मुझे अपने ससुराल में लगता है। कोई नहीं, फिर आएंगे दोबारा, क्या कर सकते हैं, अब जाना तो है ही। लेकिन बुरा बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मन कर रहा बहुत रोऊं। पर और ये पीछे बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है। सामने रोड, आजकल ये हमारी वाली पर्सनल रोड है, ये
बट थोड़ी सी ख़राब हो रही है, बारिश हो जाती है कभी कभी तो ऊपर से पत्थर वगैरह आते हैं तो उस वजह से रोड ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स वो सामने मेन रोड है, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। आजकल ये रोड ख़राब हो रखी है थोड़ी सी, तो इस वजह से इधर गाड़ी नहीं ला सकते हम लोग, तो वहीं पे खड़ी करनी पड़ती है हम लोगों को रोड पर ही गाड़ी। और कहाँ और किसका सामान बचा हुआ? वो कहाँ चलेगी? सहन आएंगे पहले भी नहीं दुआएं। तो फ्रेंड्स अभी ना सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही, तो चलिए हम लोग तो अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमें भी और घर वालों को भी बहुत बुरा लग रहा है, घर आते हैं तो सब लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग भी और घर वाले भी, लेकिन जब घर से हम वापस आते हैं तो सबको बहुत बुरा लगता है। तो जो ये वाला मोमेंट है ना, ये मुझे बड़ा गंदा लगता है, सब लोग सैड सैड से हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फ्रेंड्स ये पीछे दीदी और बच्चे बैठे हुए हैं, दी को शादी में जाना है अपने बहन की, 2-4 दिन बाद उनके बहन और भाई की शादी है, तो आगे से हम दोनों का रूट अलग हो जाएगा, उनका रूट अलग हो जाएगा और हमारा रूट अलग हो जाएगा। और मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है, तो अभी तो रुक रखी है थोड़ी सी बारिश, और ये यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से खेत है रोड के किनारे, बट मौसम बहुत ख़राब है तो कभी भी बारिश हो सकती है फिर से दोबारा से, अभी बारिश नहीं हो रही है, बस मौसम ही अभी बड़ा ख़राब सा लग रहा है। ओलिया बेटा लगता है तुम्हारा वो। और अभी फिर से फ्रेंड्स बारिश शुरू हो गई है, और दी जो है उतर गई है अभी यहाँ से, यहाँ से दी को बस मिलेगी तो हमारा रूट सीधा जाएगा, और दी को ऊपर जाना है नगाँव की साइड को, तो चलिए हम लोग भी अब आगे चलते हैं, दी को मिल जाएगी थोड़ी देर में बस। बाय बाय। शीशे बंद कर दो, काफी तेज बारिश हो गई फिर से। वैसे ना फ्रेंड्स मुझे इस टाइप का मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज तो भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मौसम हो रखा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मसूरी ऊपर गले, अब देखो यहाँ से मसूरी 28 किलोमीटर बचा और विकास नगर 41 किलोमीटर है, तो यहीं से तो नज़दीक पड़ रहा, कितना आधा बच गया मतलब यहाँ से 28 है। हाँ 28 दिखा रहा हूँ, 41 विकास नगर दिखा रहा था। और फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए अपनी फेवरेट जगह पर, ये कैंपटी से थोड़ा पहले पड़ती है जगह, हाथी पांव बोलते हैं शायद इसको यहाँ पर, और यहाँ पर ना काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि यहाँ पर, लेकिन अभी इन्होंने बस अभी खोला है और इनके शायद हम पहले कस्टमर हैं अभी। और जो ये भैया हैं ये भी नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, ये हमेशा बोल देते हैं कि आने से पहले एक बार कॉल कर दिया करो मुझे, तो मैं जो भी मतलब आप लोगों को खाना होगा हम बना के रख देंगे, लेकिन हमारा ऐसे अचानक से प्लान बन जाता है आने का, और पता है कि रास्ते में पड़ता है इन भैया का रेस्टोरेंट, तो हम कॉल नहीं करते हैं, बस ऐसे ही आ जाते हैं और जो खाना होता है तुरंत ऑर्डर कर देते हैं बस। और बच्चों से वेट नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी तो मैगी फेवरेट है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मसूरी पहुंच गए हैं, दिन के 12 बज गए हैं, भूख भी लग रही है, तो बच्चों को मैगी खानी थी और मुझे परांठा खाना है, तो भैया को बोल दें हमने परांठा बनाने के लिए और मैगी के लिए, तो 20 मिनट लगेंगे। हम जब भी आते हैं घर जाते हैं या फिर वापस आते हैं तो हम यहीं पर ही जो भी हमको खाना होता है हम यहीं पर खाते हैं, इसी रेस्टोरेंट पर खाते हैं। और ये पीछे सामने जो है जो दिख रहा है आपको पीछे, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है,
बच्चे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। तो चलिए जब तक बनता है तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू वगैरह दिखा देती हूँ थोड़ा सा। और फ्रेंड्स ये नीचे जो आपको गांव दिख रहा है ये सैंज गांव है, ये जौनपुर गढ़वाल में पड़ता है शायद सैंज गांव। और नीचे देखने पर देखिए कितना ख़तरनाक लग रहा है, यहाँ से देखने पर ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। और ये सामने बहुत ही प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से पहाड़ हैं। और व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ से देखने में भी। काफ़ी नीचे थोड़ा डरावना भी लगता है, नीचे तो बहुत ज़्यादा डरावना टाइप का। ये देखिए, अगर फ्रेंड्स आप लोगों का कभी मसूरी आना होता है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, इस रेस्टोरेंट पे आ सकते हो। ये सानवी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है और एकदम फ्रेश फ्रेश खाना मिलता है आपको यहाँ पर, जो भी मिलेगा। और यहाँ पर ये बच्चों की मैगी भी बन के रेडी हो गई है, मैगी आ गई उनकी। और अब थोड़ी देर में मेरा परांठा भी आ जाएगा, मैंने परांठा बोला है बनाने के लिए, आलू और प्याज का परांठा। और सामने ये बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी वहाँ पे आराम से बैठकर खा रहे हैं और मौसम का मज़ा ले रहे हैं साथ में इस प्यारे से गाने के साथ। बहुत ही प्यारा गाना ये, सफ़र शुरू हो गया। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो मैंने ऑर्डर किया था परांठा आलू प्याज का, वो बन के रेडी हो गया है, लेकिन बच्चों को भी खाना है परांठा, तो ये परांठा वो खाएंगी, मेरे लिए दूसरा परांठा बनेगा। और छोटे वाले को सादा परांठा खाना है तो उसके लिए भी अभी बन रहा है, तो ये मेरा भी परांठा बनके रेडी हो गया है यहाँ पर। और ये देखिए इतना बड़ा परांठा है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा परांठा है, इसको दो जने खा सकते हैं आराम से, लेकिन ये सारा का सारा परांठा मैंने अकेले ही खा लिया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे लंच समझ लो या ब्रेकफास्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, परांठा और मैगी खा लिया। और अब हम मसूरी से देहरादून जाएंगे। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो है ये कैंपटी का मार्केट है, और आगे रास्ते पर अभी हमको कैंपटी फॉल भी मिलेगा। हाँ, कहीं ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं काफ़ी लोग, बट हमें तो एक जैसा ही लगता है अपने घर के साइड भी और यहाँ मसूरी साइड में, क्योंकि एक ही जैसे पहाड़ है, सेम पहाड़ है। और फॉल जो है वहाँ पे रास्ते में बहुत सारे हमको देखने के लिए मिल जाते हैं जब हम लोग घर जाते हैं उस समय। और ये देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ से पूरा ये आपको कैंपटी दिख रहा है बैक साइड से, और जो ये बीच से आपको फॉल दिख रहा है यही कैंपटी फॉल है, इसी को देखने के लिए लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर से अचानक से जो है इतनी सारी बकरियां निकल कर आई, 4-5 बकरियां साथ में, अच्छा गाड़ी के आगे नहीं आई वरना। बाबा जी ये दो रोड हो जाती है क्या ऐसे? नहीं रोड क्यों जाएगी, रोड मसूरी से कोई तो रोड ही समझता हर चीज को, हर बस को समझ, इनिश जो है रोड ही समझता है कि रोड बस, जो ही बस आएगी रोड ही आगे बस। उसमें लिखा रहता है ना तो मैं ऊपर पढ़ लेता हूँ। नहीं ये रोड कहाँ लिखा, ये रोड कहाँ से आ गई? नहीं मैं नहीं, मैंने कहा नहीं कि रोडू यहाँ से जा रही है, मैंने कहा कि दो दो रोडू होती है ना। नहीं एक रोडू तो उधर जाती है ना। हाँ तो दो रोडू होती है ना। और ये देखिए फ्रेंड्स मसूरी का सुंदर नज़ारा, अभी हम लोग जो है मसूरी पहुंच गए हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी। पापा जी पहाड़ों की रानी क्यों बनाया है? ये थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ये थोड़ा सा है, अब कुछ भी तो नहीं सकता ना यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ठीक है, पहले से बहुत अच्छा बना है। और यहाँ पर जो है ये मार्केट है मसूरी का, इधर उधर साइड में जो है मार्केट है यहाँ पर ये मसूरी का। फ्रेंड्स ये सामने यहाँ पे जू है, मालसी डियर पार्क मसूरी रोड पे ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देहरादून पहुँच गए हैं, और जो हमारा ये घर का सफ़र था, गांव का सफ़र था, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया सबको। और पहाड़ में हमारी साइड में गांव में आज मतलब कल शाम से बारिश हो रही थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। हम लोग घर से स्वेटर पहन के आए थे, लेकिन देहरादून आकर हमारी स्वेटर उतर गई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्म हो रहा है और गांव में बहुत ठंडा हो रहा था, इसलिए हम स्वेटर पहन के आए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा हमारा ये सफ़र। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, हमारा ब्लॉग पसंद आता है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।